हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। इस चैप्टर का ऑथर कौन है, इस कहानी का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए जेम्स हैरियट, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी रॉबर्ट अर्थर, ऑप्शन सी विक्टर कैनिंग। सिमिलर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऑप्शंस भी सिमिलर है आपके इससे प्रायर चैप्टर से। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी यही ऑप्शंस थे, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो बच्चों, यहाँ पर ऑथर जो है इस चैप्टर के, इस स्टोरी के कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो किस चीज़ में जो है बहुत अच्छे से जो है अपने हाथ से जो है कामयाब था, यानी हाथ की सफाई जो है वो किस चीज़ में होती है बच्चों? रेसलिंग में? ना, स्टीलिंग चोरी करने में, डिसीविंग धोखा देने में, वर्किंग हार्ड में। वो स्टीलिंग में जो एक्सपर्ट था, वो सक्सेसफुल, फेयरली सक्सेसफुल हैंड जो उसका था वो किस चीज़ में था? स्टीलिंग में था, यानी कि वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से चोरी करने वाला पर्सन था, हाथ की सफाई में वो एक्सपर्ट था। व्हाट वॉज हिज नेम, उसका नाम क्या था? हरी, अनिल, अमोल या हैरी? तो उसका नाम क्या था? हरी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द बॉयज़ एज, उस लड़के की उम्र क्या थी? लड़का कौन? हरी, जो कि चोर था। 15, 25, 20 या नन ऑफ द अबव। उसकी एज थी 15 ईयर्स। वो 15 साल का, मात्र 15 वर्ष का एक बच्चा था, ठीक है बच्चों? और वो 15 साल की उम्र में एक एक्सपर्ट चोर था। देखिए आप, व्हाट वाज अनिल्स एज, अब वो जिससे मिलता है, जिसके घर में वो फिर काम करने के लगता है, उस पर्सन का नाम क्या था? अनिल था। अनिल की एज कितनी थी? 15 का तो वो चोर था। हरी था 25, 20 या नन? तो इसका आंसर है 25। व्हाट हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड, हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। अनिल ने जो है नरेटर को कैसे डिस्क्राइब करा? सिंपल, काइंड, ईजी गोइंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर क्या है बच्चों आपका? ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ना? अनिल जो था वो सिंपल भी था, काइंड भी था और ईजी गोइंग पर्सन भी था। व्हाट वॉज अनिल डूइंग वेन द बॉय मेट हिम, अनिल तब क्या कर रहा था जब वो लड़का उससे मिला था? कहाँ पर मिलता है हरी सिंह जो है अनिल से? अनिल उस समय क्या कर रहा था? कुकिंग? नहीं। वॉचिंग अ मैच? प्लेइंग? नहीं। राइटिंग एन आर्टिकल? नहीं। अनिल उस समय पर एक मैच देख रहा होता है जब उससे हरी सिंह मिलता है। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। अब नरेटर जो है, यानी कि जो हरी सिंह है, वो अनिल से दोस्ताना स्वभाव बनाने के लिए क्या करता है? वो कैसे मतलब जो है उससे मित्रता दिखाने की कोशिश करता है? फ्लैटरिंग हिम, उसकी फ्लैटरी करता है, वो उसको टीज करता है, चिढ़ाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है या नन ऑफ अबव? वो उसकी फ्लैटरिंग करता है। By flattering him, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। Now question number 9, what did the boy ask Anil for? उस लड़के ने अनिल से किस चीज़ के लिए कहा, किस चीज़ के लिए उसने जो है बात करी, किस चीज़ के लिए मदद मांगी? To give him food, उसको खाना देने के लिए कहा। To employ him, उसको नौकरी देने के लिए कहा। To give him money, उसको पैसा देने के लिए कहा, या उसे पढ़ाने के लिए कहा कि मुझे पढ़ा दो? हरी सिंह ने अनिल को कहा टू एम्प्लॉय हिम, कि मुझे काम पे रख लो, मुझे कुछ काम दे दो। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम, अब हरी सिंह जो चोर था उसने अपना नाम जो है वो कितनी बार बदला? एवरीडे, रोज़ बदलता था, एवरी वीक, हर सप्ताह बदलता था, एवरी मंथ, हर महीने बदलता था, या एवरी ईयर, हर साल बदलता था? तो इसका आंसर है एवरी वीक ही यूज टू चेंज हिज नेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन He changed his name in order to stay ahead of. वो अपना नाम जो है क्यों बदलता था, किससे बचने के लिए, किससे जो है भागने के लिए वो अपना नाम बदलता था? पुलिस? यस। एम्प्लॉयर, जिनके यहाँ वो काम करता था उनसे बचने के लिए? हाँ। नन? नहीं। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ देम, वो पुलिस और एम्प्लॉयर्स दोनों से बचने के लिए अपना नाम बदलता रहता था। वॉट नेम डिड ही टेल अनिल, उसने अनिल को अपना नाम क्या बताया? हर बार नाम बदलता था। अनिल सिंह बताया? नो। हरिलाल बताया? नो। हरी सिंह बताया? यस। अनिल लाल भी नहीं बताया। तो उसने अपना नाम अब के अनिल को क्या बताया? हरी सिंह।
वट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग? ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक अ लो इनआर्टिक्युलेट साउंड, बहुत ही धीरे से धीमे धीमे से आवाज करना. से समथिंग विच इज़ क्लियरली ऑडिबल, कुछ ऐसा कहना जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देता है. शाउटिंग, चिल्लाना या नन ऑफ द अबव. ग्रंटिंग का मतलब होता है मेक अ लो इनआर्टिक्युलेट साउंड, धीरे धीरे से आवाज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाउ वॉज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? जब पहली रात उसने खाना बनाया हरी सिंह ने, वो खाना कैसा था? डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट था. माउथ वाटरिंग ऐसा था कि उसे देख करके मुंह में पानी आ जाता था. फिंगर लिकिंग गुड, ऐसा था कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे. या टेरेबल, यस द फूड वॉज टेरेबल, बहुत ही बेकार खाना. हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हिज फूड? अब उसने उस फूड को इन्फर कैसे किया? अनिल सेड ही लाइक्ड इट, अनिल ने कहा कि उसे वो पसंद है खाना. नहीं, अनिल कुडंट हैव इनफ ऑफ इट, अनिल उसे और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वो नहीं खा पा रहा था. अनिल वॉज लिकिंग हिज फिंगर, अनिल को इतना पसंद आया कि वो उंगलियाँ चाट रहा था. नहीं, जब फूड टेरेबल था तो ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते. द लास्ट ऑप्शन है अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अनिल ने वो जो है एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उसने वो खाना उसको खिलाया. देन क्वेश्चन नंबर 16 इज, वॉट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने जो है उस दिन उसे किस चीज़, क्या सिखाने का प्रॉमिस किया? राइट हिज नेम, येस. कुक फूड, येस. राइट फुल सेंटेंसेज, येस. तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. डिड अनिल रियली माइंड हिज पिटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? क्या अनिल जो है अपने अलग अलग तरीकों से, जो पिटी वेज से जो है वो जो मनी जो है पैसा अर्न करना था, क्या वो उस चीज़ को माइंड करता था? उससे उसको कोई फर्क पड़ता था? ना ना, येस. तो आपका आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बच्चों, येस, नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ये गलत आंसर है. आपका आंसर है नो. तो आपका बी ऑप्शन सही है. मे बी नहीं है, हो सकता है, नहीं, ये नहीं है. ही डिडेंट अर्न थ्रू पिटी वेज, वो पिटी वेज से नहीं कमाता था, ये भी गलत है. तो पिटी वेज से ही कमाता था, तो उसको जो है वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था अपने पिटी वेज ऑफ अर्निंग मनी को. तो इसका आंसर है नो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज, अ क्योर वे ऑफ टू अर्न मनी, अ क्योर वे टू अर्न मनी, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्योर? इस वर्ड का मीनिंग क्या है क्योर का? स्ट्रेंज, फेमस, रेयर या इलीगल? ठीक है, तो बच्चों इस वर्ड का मीनिंग है स्ट्रेंज, अजीब तरीके से पैसे कमाता था. हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट? जो नरेटर है, जो वो हरि सिंह नाम का थीफ है, उसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पर्सन अपनी ज़िंदगी में अब तक कौन मिला? अनिल, पब्लिशर, अनिल्स फ्रेंड या नन ऑफ द अबव. अनिल मिला था उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन. देन क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज़ ईजियर टू रॉब? आप आसानी से किसको जो है, किसके पास चोरी कर सकते हैं, आप आसानी से किसको ठग सकते हैं? अ केयरलेस मैन, अ ग्रीडी मैन, अ ट्रस्टिंग मैन या अनिल को? आप बहुत आसानी से जो है किसे किसको ठग सकते हैं, किसके यहाँ चोरी कर सकते हैं? एक लालची आदमी के यहाँ, अ ग्रीडी मैन के यहाँ. ठीक है ना. वॉट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क? सारे काम का जो प्लेजर है, सारे काम का जो मजा है, वो क्या चीज़ जो है वो ले लेती है? किस चीज़ से जो है सारे काम का मजा जो है वो समाप्त हो जाता है? रॉबिंग अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह आदमी के यहाँ चोरी करना. रॉबिंग अ ग्रीडी मैन, ये तो ऊपर था कि ग्रीडी मैन को तो हम आसानी से उसके पास चोरी कर सकते हैं. व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव इवन बीन रॉब्ड, जब कोई नोटिस ही नहीं करता कि उसके उसको जो है आपने ठगा है, आपने उसके पास चोरी करी है, उसको मालूम ही नहीं चला है. तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, यानी कि आपका आंसर है बोथ ए एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डिड ही स्टील? अनिल के पास से हरि सिंह ने कितने पैसे चुराए थे? 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये या 800 रुपये? तो हरि सिंह ने चुराए थे 600 रुपये. 600 रुपये की उसने चोरी वहाँ पर करी थी. डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस? क्या वो लखनऊ एक्सप्रेस नामक ट्रेन में जो है चढ़ गया था? येस, नो, मे बी या नन ऑफ द अबव. नहीं, हरि सिंह जो है जाता तो ज़रूर है, पर वो वापस लौट आता है. हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? अब नरेटर को क्या लग रहा होता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि नरेटर ने, हरि सिंह ने उसके यहाँ पर चोरी करी है, जिस पर अनिल ने विश्वास करा उसने उसके यहाँ पर चोरी करी है, तो अनिल को कैसा फील होगा?
एंग्री गुस्सा आएगा उसको, उसको डर लगेगा, फियर होगा, एक्सेप्टेंस वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा, या फिर सैड, वो सैड होगा, वो उदास होगा। वॉट डिड ही डू विद द मनी, वो उस पैसे के साथ में क्या करता है, रन अवे विद इट, वो उसको पैसे को लेके भाग जाता है, थ्रू इट वो उस पैसे को फेंक देता है, या बॉट अ साइकिल विद इट, वो उसके साथ उस उन पैसों से एक साइकिल खरीद के लाता है, या रिटर्न इट, या वो उस पैसे को वापस रख देता है। हाँ जी, वो उस पैसे को रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट अ रॉबरी, क्या अनिल उस चोरी के बारे में कुछ कहता है? यस, नो, मे बी, या नन ऑफ अबव, नहीं, वो कुछ भी नहीं कहता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है अनिल जैसे उसे पता ही नहीं है कि चोरी भी हुई है, हरी सिंह ने कुछ गड़बड़ भी की है। व्हाई डज हरी सिंह रिटर्न द मनी, हरी सिंह पैसा वापस क्यों रख देता है, क्यों मनी रिटर्न कर देता है? ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट, क्योंकि वो लिखना सीखना चाहता था। ही वॉज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, क्योंकि उसको इस चीज़ की चिंता थी कि अनिल कैसा महसूस करेगा उसके बारे में। ही फेल्ट बैड, उसको बुरा लग रहा था, या नन ऑफ द अबव, नहीं, वो लिखना सीखना चाहता था, वो चाहता था कि वो सीख ले कि कैसे लिखा जाता है, वो पढ़ना सीखना चाहता था ताकि फिर आगे उसको इस तरह के गलत काम ना करने पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड, अनलाइंड वर्ड का क्या मतलब है? इन अ लाइन, एक लाइन में, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी, आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आपको किसी प्रकार की भी कोई चिंता, कोई एंग्जाइटी, कोई परेशानी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको, या नन ऑफ दी अबव, इसका आंसर है अनलाइंड का मतलब शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। अनिल ने शो करे होते ना ये। हाउ डज आई रेफर टू, सॉरी हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आए कौन है, यानी कि यहाँ पर नरेटर जो है वो कौन है, हरी है, अनिल है, एक लालची आदमी ग्रीडी मैन है, या नन ऑफ दी अबव है, तो इसका आंसर कौन है, हरी है। हरी सिंह जो थीफ है वो ही स्टोरी को नरेट कर रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड, उस दुकान का क्या नाम था जिसके ऊपर अनिल जो है रहता था, लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप, या जमुना स्वीट शॉप, तो उस दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा, वीडियो जो एक्सप्लेनेशन किया चैप्टर की उसको भी देखिएगा, तो आपके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ऑल राइट बच्चों, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।